हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुनीता गहलोत। टुडे आई एम टेकिंग द टॉपिक फॉर ई कंटेंट फॉर ऑनलाइन क्लासेस, दैट इज़ गोल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैरिज। यह जो टॉपिक है ये एमए फाइनल होम साइंस के मैरिज एंड फैमिली रिलेशंस, फैमिली वेलफेयर एंड फैमिली रिलेशंस का जो पेपर है 6 उसका, तथा बीए पार्ट जो 3 है उसका यूनिट 5 विवाह से संबंधित है। आज के हम इस टॉपिक में विवाह के उद्देश्य एवं कार्य को देखेंगे। विवाह, जिसे शादी भी कहा जाता है, दो लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है, जो उन लोगों के बीच, साथ ही उनके और किसी भी परिणामी जैविक या दत्तक बच्चों तथा संबंधियों के बीच अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। विवाह का शाब्दिक अर्थ है उद्भव अर्थात वधु को वर के घर ले जाना। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर लिखते हैं, विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। इस परिभाषा में विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे संबंधों के रूप में स्वीकार किया गया है जो संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें वैध घोषित करते हैं, तथा इसके फलस्वरूप माता पिता एवं बच्चों को समाज में कुछ अधिकार एवं परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये तो थी विवाह की जो दो परिभाषाएं जिनसे हमने विवाह के अर्थ को जाना। अब लेते हैं विवाह के उद्देश्य एवं लक्ष्य। विवाह के संदर्भ में कतिपय मुख्य शिक्षा शास्त्रियों की परिकल्पनात्मक धारणा यह है कि सभ्यता के विकास के आरंभिक चरण में स्त्री व पुरुष के बीच यौनेच्छा तृप्ति का माध्यम अनियंत्रित स्वेच्छाचारिता युक्त यौन संबंध रहा होगा। इस उन्मुक्त एवं अनियंत्रित यौन संबंध के कारण आदि मानवों के समूह में निरंतर संघर्ष एवं रक्तपात होता रहा होगा। इस संघर्ष एवं रक्तपात से अपने अपने कबीले को बचाने के उद्देश्य से उन कबीलों के मुखिया या सरदार द्वारा यौनाचार को नियंत्रित एवं नियमानुकूल बनाने के उद्देश्य से विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति की गई। यद्यपि यह एक परिकल्पना ही है, तथापि इससे विवाह के उद्देश्यों पर समुचित प्रकाश पड़ता है। प्रत्येक समाज में उद्देश्यों की प्राथमिकता के क्रम में कुछ अंतर पाया जाता है। पश्चिमी समाज की भौतिकतावादी संस्कृति में विवाह का सबसे प्रमुख उद्देश्य यौन संबंध स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त करना है। भारतीय समाज में यौन संतुष्टि को विवाह का सबसे गौण उद्देश्य माना गया है। हिंदू जीवन में गृहस्थ जीवन को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस समय व्यक्ति केवल परिवार में रहकर ही विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन सबसे अच्छे रूप में कर सकता है। इस दृष्टिकोण से परिवार का निर्माण और परिवार में धार्मिक क्रियाओं की पूर्ति करना विवाह के प्रमुख उद्देश्य हैं। बॉमेन एक शिक्षाविद रहे हैं, उन्होंने विवाह के उद्देश्यों को इस प्रकार स्पष्ट किया है। उनके अनुसार विवाह के प्रमुख उद्देश्य हैं यौन संतुष्टि, घर और बच्चों की इच्छा, मित्रता, सामाजिक स्थिति और सम्मान, आर्थिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना। विवाह के मुख्य उद्देश्यों में जो मुख्य उद्देश्य अगर हम सामान्य उद्देश्यों के रूप में लें तो इस प्रकार होंगे। पहला है इसमें घर परिवार बसाना। अपना घर परिवार बसाना एक प्राकृतिक, सहज एवं मूल मानवीय आकांक्षा है। विवाह इस उद्देश्य की पूर्ति का सरल एवं श्रेष्ठ माध्यम है। दूसरा उद्देश्य आता है यौन संतुष्टिकरण। यौनेच्छा एक प्राकृतिक एवं मूल मानवीय इच्छा है। आधुनिक मनोविश्लेषकों जैसे फ्रॉयड तथा जुंग के अनुसार दमित यौनेच्छा विभिन्न प्रकार की यौन विकृतियों, कुंठाओं तथा व्यक्तित्व विकारों को जन्म दे सकती है। विवाह का उद्देश्य है यौनेच्छा को तृप्त करने का सामाजिक एवं वैधानिक मान्यता प्राप्त अवसर एवं माध्यम प्राप्त
करना। तीसरा उद्देश्य आता है वंश एवं जाति की निरंतरता बनाए रखना। अपने वंश एवं अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखना एक प्राकृतिक एवं मूल मानवीय आकांक्षा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य संतानों उत्पत्ति करता है। विवाह का एक प्रमुख उद्देश्य संतानों उत्पत्ति करने एवं उत्पन्न संतान की देखरेख करने तथा उसे अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बना सकने का सामाजिक एवं वैधानिक मान्यता प्राप्त अवसर प्रदान करना है। चौथा उद्देश्य आता है आर्थिक व्यवस्थापन। घर परिवार को आर्थिक रूप से सुनियोजित करने अथवा इसके आर्थिक व्यवस्थापन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विवाह का उपयोग किया जाता है। पति और पत्नी परस्पर सहयोग कर अपने परिवार के आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति सरलता एवं शीघ्रता से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें राष्ट्र को वैध नागरिक प्रदान करना। विवाह के माध्यम से वैध संतानें उत्पन्न की जा सकती हैं, अतः राष्ट्र को वैध नागरिक उपलब्ध कराने का जो उद्देश्य है वो विवाह के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर आता है इसमें नैतिक जीवन जीने की शिक्षा। विवाह व्यक्ति को मिलजुल कर अनुशासित एवं नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करने का उद्देश्य पूर्ण करता है। सामान्यतः यह पाया जाता है कि अविवाहित स्त्री या पुरुष अनियमित एवं अनियंत्रित यहाँ तक कि लापरवाही पूर्ण भी जीवन जीते हैं, पर विवाह उपरांत वे नियमित अनुशासित एवं दायित्वपूर्ण जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। फिर आता है पारिवारिक जीवन की इकाई। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रारंभ ही विवाह से होता है। इस प्रकार विवाह प्रारंभिक पारिवारिक जीवन चक्र को पूर्णता प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। स्थायी साथ प्राप्त करना। विवाह करने का एक प्रमुख उद्देश्य है एक ऐसा विषम लिंगी साथी प्राप्त करना जो सुख दुख के में समान रूप से भागीदार हो, जो भावनाओं की कद्र करे, जिसका साथ स्थिर एवं टिकाऊ हो, जो पारस्परिक स्नेह प्रेम मैत्री एवं अटूट निष्ठा पर आधारित हो तथा जो एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से ओतप्रोत हो। तो ये थे विवाह के कुछ उद्देश्य जिनको इस उद्देश्य से रखा गया था ताकि जो विवाह संबंधी संस्था है वो स्थायी रूप से चल सके। इसी के साथ जब उद्देश्यों की बको बनाया गया तो विवाह के कुछ कार्यों को भी संपादित किया गया कि जो भी व्यक्ति विवाह रूपी बंधन में बंधे उन्हें कुछ कार्यों की पूर्ति करनी गई, उनको विवाह के कार्यों के अंतर्गत रखा गया है। जो विवाह के कार्य हैं उनमें जो तीन वर्गीकरण किया गया था उसमें जो पहला वर्गीकरण था वो था बायोलॉजिकल एम यानी जैविकीय पक्ष रखा गया था उसका। दूसरा था उसका सोशल एम जैसे सामाजिक उसका कार्य के रूप में रखा गया था। और फिर रखा गया था इकोनॉमिक एम यानी आर्थिक जो कार्य है उसको माना गया था। विवाह के ये ब्रॉडली तीन जो कार्य थे वो बड़े रूप में रखे गए थे और उनको फिर छोटे कार्यों के रूप में रखा गया उनमें दिए गए थे। तो व्यक्ति को जब भी विवाह रूपी बंधन में बंधता था तो उसे या जो भी बंधता है उसे ये तीन कार्य पूर्ति के रूप में करने पड़ते हैं जो कि बायोलॉजिकल सोशल और इकोनॉमिक यानी जैविकीय कार्य सामाजिक कार्य और आर्थिक कार्य के रूप में उनकी पूर्ति करनी पड़ती है। अब हम एक एक को देख लेते हैं। विवाह के द्वारा हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों यथा जैविक मनोवैज्ञानिक सामाजिक आर्थिक एवं आध्यात्मिक आदि से संबंधित विभिन्न कार्य निष्पन्न किए जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला ले लेते हैं हम जीवन के जैविक पक्ष से संबंधित कार्य। इसमें जो पहला कार्य रखा गया है वो है कामेच्छा तृप्ति का कार्य। विवाह स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही कामेच्छा तृप्त करने का सामाजिक एवं वैधानिक मान्यता प्राप्त अवसर स्थल
यानी घर परिवार एवं साधन स्त्री को पुरुष एवं पुरुष को स्त्री उपलब्ध कराने का कार्य करता है। यानी जैविकीय जो पक्ष है, जैविकीय जो कार्य है, उसमें कामेच्छा तृप्ति का कार्य पहला दिया गया है। दूसरा कार्य आता है इसमें श्रम विभाजन का करने का कार्य। जीवन सीमित होता है, जबकि जीवन में किए जाने कार्य असीमित, जीवन में किए जाने वाले कार्य असीमित होते हैं। एक स्त्री या एक पुरुष अकेले जीवन में जितना काम कर सकता है, उससे कहीं अधिक काम दोनों परस्पर मिलकर संपन्न कर सकते हैं। सामान्यतः यह पाया जाता है कि यदि स्त्री एवं पुरुष मिल बैठकर किए जाने वाले कार्यों को सम्यक एवं संतोषजनक विभाजन परस्पर कर लें, तब जीवन को जीना अधिक सरल एवं सुखमय हो सकता है। विवाह उन्हें ऐसा करने का अवसर प्रदान करने का कार्य करता है। विवाह उपरांत जब एक स्त्री पत्नी बनकर अपने पति के घर आती है, तब उसे पति के साथ मिल बैठकर घर परिवार से संबंधित सभी कार्यों का परस्पर समुचित एवं संतोषजनक विभाजन वितरण करने का अवसर मिलता है। ऐसा करके ही वे दोनों परिवार को विकास एवं समृद्धि के मार्ग पर ले चल सकते हैं। घर परिवार के आंतरिक कार्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व पत्नी एवं बाह्य कार्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व पति पर होता है। अब हम ले लेते हैं इसके दूसरे पक्ष को, जिसमें उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित कार्यों को बताया गया है। इसमें जो पहला आता है वो आता है भावनात्मक मिलन प्रदान करने का कार्य। विवाह न केवल शारीरिक वरन भावनात्मक मिलन का भी माध्यम होता है। स्त्री और पुरुष के बीच भावनात्मक आकर्षण होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जीवन का आधार होता है वह आकर्षण, बल्कि यह यहाँ तक कहा जा सकता है कि स्त्री और पुरुष के बीच संबंध स्थापित करने में भावनात्मक आकर्षण का शारीरिक आकर्षण की अपेक्षा अधिक महत्व होता है। मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दोनों ही रूप से स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जो यह कार्य है, भावनात्मक मिलन प्रदान करने का कार्य भी विवाह के द्वारा ही संपन्न होता है। इसी में जो दूसरा कार्य है वो आता है एकाकीपन के तनाव एवं बोझ को कम करना। प्राकृतिक रूप से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्त्री पुरुष दोनों में से कोई भी कभी अकेला नहीं रहना चाहता। अकेली स्त्री या अकेला पुरुष अकेलेपन के तनाव एवं बोझ से पीड़ित रहता है। जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब स्त्री या पुरुष दोनों ही ऐसे ही साथी की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, जिससे वे अपने मन की बात कह सकें। रुग्णावस्था, मानसिक द्वंद्व अथवा उलझन में पड़े हुए दोनों की अवस्था तथा वृद्धावस्था आदि जीवन की विशेष परिस्थितियों में किसी ऐसे साथी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है जो मन की बातें सुने, भावनाओं की कदर करे तथा अपना बनकर सुख दुख का भागीदार बने। विवाह ऐसा ही साथी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इस प्रकार यह एकाकीपन के तनाव एवं बोझ को कम करता है। तो ये थे जीवन के मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित विवाह के कार्य। अब आता है विवाह के सामाजिक पक्ष, यानी जो सोशल एम है उसको पूर्ण, उससे संबंधित जो कार्य है उसको पूर्ण करने का जो विवाह का कार्य है वो देख लेते हैं। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज की एक इकाई होता है। इस नाते समाज के प्रति उसके बहुत सारे कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं। विवाह बहुत से सामाजिक कर्तव्यों एवं दायित्वों को निभाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। विवाह के माध्यम से दो भिन्न परिवारों के बीच सामाजिक संबंध स्थापित होता है। यह समाज के विभिन्न सदस्यों अथवा विभिन्न परिवारों के बीच प्रगाढ़ एवं सुदृढ़ संबंध सामाजिक संबंध स्थापित करने का सुअवसर उपलब्ध कराता है। यानी कि जो मानव है वो एक सामाजिक प्राणी के रूप में होता है और वो अकेला जीवन नहीं जी सकता। उसके लिए उसे किसी एक ऐसे साथी की ज़रूरत होती है जो जीवन के हर पक्ष और हर अवस्था में उसका साथ दे सके तथा सामाजिक दायित्वों का पूर्ण रूप से
जो पूर्ण रूप से उस दायित्वों को निभाने में उसके सहायता कर सके। ऐसे ही साथी को जो मिलन का नाम है वो होता है विवाह, जो दो पक्षों को जोड़कर उनके साथ के परिवारों को जोड़कर सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने में मदद करता है। तो यह था जीवन के सामाजिक पक्ष से संबंधित कार्य को पूर्ण करवाने का विवाह संबंधी कार्य। अब आता है कि विवाह के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित कार्य। जीवन में विभिन्न पक्षों में इसके आध्यात्मिक पक्ष का भी महत्व कम नहीं है। विवाह जीवन के इस आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित विभिन्न कार्य करता है। हिंदू धर्म एवं संस्कृति में किसी भी प्रकार की पूजा में पूजा वेदी पर पति और पत्नी का एक साथ बैठने का विधान है। प्रख्यात विचारक एवं दार्शनिक हेगले के अनुमत अनुसार विवाह वह प्रक्रिया है जिसमें अपने स्वतंत्र या नियम के व्यक्तित्व का संपूर्ण समर्पण दूसरे के समत्व या व्यक्तित्व में होता है। विवाह पति पत्नी और को परस्पर मिलकर अपने अपने व्यक्तित्व को एक दूसरे के व्यक्तित्व में समाहित कर एक संयुक्त व्यक्तित्व निर्मित करने एवं एकात्मपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। यह आध्यात्मिक एकत्व जीवन को नैसर्गिक सुख प्रदान करने का कार्य भी करता है। अब आता है इसका लास्ट जो अंतिम पक्ष, जो कि आर्थिक इकोनॉमिक एम यानी आर्थिक पक्ष के रूप में लिया गया था। विवाह आर्थिक पक्ष का जो कार्य है वो पूर्ण करवाने में भी मदद करता है। जीवन के आर्थिक पक्ष से संबंधित कार्यों में जीवन में अर्थ का यदि सर्वाधिक नहीं तो अत्यधिक महत्व तो है ही, क्योंकि अर्थ काम धर्म एवं मोक्ष ये चार आर्थिक पक्ष से संबंधित विभिन्न कार्य भी करता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि एक अविवाहित स्त्री या पुरुष के घर की आर्थिक व्यवस्था की तुलना में एक विवाहित स्त्री या पुरुष के घर की आर्थिक व्यवस्था बेहतर होती है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से विभिन्न स्त्री या पुरुष के साथ विवाह कर अपनी आर्थिक व्यवस्था में पर्याप्त सुधार ला सकता है। यदि पति और पत्नी दोनों ही अर्थोपार्जन ये करने लगे यानी आर्थिक रूप से सक्षम हो, तब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में व्यापक विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है। यानी आर्थिक पक्ष जो है वो अगर दो व्यक्ति मिलकर उठाने की जिम्मेदारी लेते हैं तब जो जीवन है वो अधिक सरल और सुगम हो सकता है। भौतिक आवश्यकताएं आसानी से पूरी की जा सकती है और विवाह के से संबंधित जो दूसरे भी कार्य होते हैं समाज में जीने के वो अच्छे से पूर्ण किए जा सकते हैं। तो आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ बनाने के लिए भी विवाह अति आवश्यक है। विवाह से दो पक्ष जब मिलते हैं तो आर्थिक पक्ष सुदृढ़ हो जाता है, यदि दोनों ही पति पत्नी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं तो। इस प्रकार ये थे विवाह के कार्य जो कि हमने देखे। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि विवाह मानव समाज में सार्वभौमिक रूप से पाए जाने वाली एक संस्था है। इस संस्था में दो विषम लिंगी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर वैधानिक धार्मिक तथा सामाजिक प्रथा के रूप में परस्पर लैंगिक प्रजनन व व्यक्तित्व विकास संबंधी आवश्यकताओं की सतत रूप से पूर्ति करते हैं तथा परस्पर सामाजिक आर्थिक सहानुभूति के बंधनों द्वारा स्थायी रूप से संबंध रहते हैं। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। प्रत्येक समय में समाज संस्कृति एवं सभ्यता के प्रत्येक स्तर में विवाह किसी न किसी रूप में विद्यमान है। भारतीय समाज की अपनी एक विशिष्ट विशेषता है। इसमें अनेक धर्म वर्ग भाषा अपनाने वाले सदस्य हैं। विवाह की धारणा विभिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न मानी गई है तो इस तरह से विवाह एक सामाजिक संस्था के रूप में, एक दृढ़ संस्था के रूप में अपना एक दृढ़ पक्ष रखती है जो कि समाज को एक दिशा प्रदान करती है तथा दो व्यक्ति जो कि विषम लिंगी होती है होते हैं
उनको पति पत्नी के रूप में एक नाम, एक परिवार, एक सामाजिक स्थिति, संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने में विवाह क्या की बहुत ही महत्ता है और यह अपने इन उद्देश्यों को पूर्ण करता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने विवाह के उद्देश्य जिसको के सामान्य उद्देश्यों के रूप में देखा और विवाह के कार्यों को हमने उसके विभिन्न पक्षों के रूप में देखा, जिसमें जैविकीय पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष तथा आर्थिक पक्ष उल्लेखनीय रहे थे। आज की जो ऑनलाइन क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम विवाह से ही संबंधित इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।